अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर बच्चों को लेके, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा फुतारा तालाब, फिर वहाँ से जाएंगे विवेकानंद पार्क है जो, वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के। और वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बिल्कुल इंजॉय करने वाला मौसम है। तो चलो हम चलते हैं। पहले का हम आ गए हैं सेमिनरी हिल्स। यहाँ का भी व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन जैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। फुतारा तालाब, और ये देखो बिल्कुल चौपाटी जैसा थिंकिंग आ रही है यहाँ पे, जो बॉम्बे में चौपाटी होती है बिल्कुल जैसे ही थिंकिंग। और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा, ये सब पूरा जो दिख रहा है ना आपको, पूरा बन रहा है ये काफ़ी अच्छे से। यहाँ पूरी शॉप चलेगी लाइन से। और चलो हम आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है ना पूरा बन गया है, और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। और यहाँ देखिए ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। मैंने इसका भी ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर इसे देखिए। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर इसे चेकआउट कर लेना। और ये देखो यहाँ से पूरा जो दिख रहा है ये समुद्र, बहुत ही प्यारा लग रहा है। निकल गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम तो इतना प्यारा है ना कि क्या ही बताना। और अभी हम जा रहे हैं विवेकानंद पार्क, वहाँ का व्यू बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही अच्छा है, आप खुद खुश हो जाओगे देखोगे तो। सो हम वहाँ चलते हैं। I got you like you got me when the earth shakes when the bombs scream। So finally हम पहुंच गए हैं। और ये देखिए कार का मजमा तो बहुत ज़्यादा ही है, ये देखिए दूर से कार दिख रही है। और अब हम वहाँ पे जाकर देखते हैं कि वहाँ का जो नज़ारा है कैसा है। हम पहुँच गए हैं, ये देखिए यहाँ का नज़ारा, बाप रे, बहुत ही काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और हम अब आगे ही चलते हैं। सो आप यहाँ लोगों की भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे कितना रश है। और मैं आपको वहाँ का व्यू जाके दिखाती हूँ। पुल बनला अब अंदर जाते हैं। टिकट ले लिया हमने और बस हम अंदर जा रहे हैं। Side by side, you ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से और अच्छा नज़ारा दिखेगा तो हमें ऊपर चढ़ के मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और बस अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे और बच्चे भीग जाएंगे, तो इस वजह से हमें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम आगे चल के मिलते हैं। और व्यू था ना, सच में देखने लायक था, बहुत ही बढ़िया था। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए पब्लिक, देखिए पब्लिक कितनी है, खासकर बारिशों में तो ये जो टाइम होता है ना, तो मतलब यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ बदल ही जाता है बिल्कुल। और हम चल के कुछ खाते हैं, गिपचुप खाने का मन हो रहा है तो हम गिपचुप खाते हैं चल के। देखिए पानी आ रहा था इसलिए हमें वहाँ से हमें निकलना पड़ा, नहीं तो हम और रुकते थे थोड़ी देर वहाँ पर। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम यहाँ से खाएंगे गिपचुप। अगर आप गिपचुप लवर हो ना तो ज़रूर यहाँ आइए। यहाँ का गिपचुप ठेले का है बट बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो तो कार का डोर ना नूर को बंद करना है। नूर बंद करो। ये तो चलो अब हम चलते हैं गिपचुप खाना। ये रहा यहाँ का, इतना अच्छा है ना, तिवारी की चाट सेंटर बोलते हैं इसका नाम है। और इतना यहाँ की आलू टिक्की भी इतनी टेस्टी है और यहाँ का गिपचुप भी बहुत टेस्टी है। ये देखो हमने एक दही पपड़ी भी बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी दिख रही है। वैसे ट्राई करते हैं, रुक जाओ। और हमने बस नूर को सेव दिला दिया। वो गिपचुप खाने को बोला तेज़ वाला, बट वो खाता तो खा नहीं पाता था वो। और बस हम जा रहे कार की तरफ। चलो चलो नूर, चलो चलो चलो। ये हाँ, गिपचुप तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और असल में इसके पहले हम लोग ये दोनों जगह जा चुके हैं और कुछ महीना पहले ही गए थे। तो हम लोग रात में गए थे और जब भी हमें बहुत मज़ा आया था। और अभी जब हम ये मानसून के टाइम गए हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ख़ास करके विवेकानंद जो पार्क है, अंबाजरी का तालाब, वो तो बहुत ही अच्छा लगा। वो बिल्कुल ना, पता है ये टाइम घूमने लायक रहता है। वहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहती है, ख़ासकर वो जो थाना जो लेक वहाँ का उसको खासकर लोग देखने के लिए आता है, जो बांध जैसी है, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और कैसे लगी आपको वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।